भाजपा सांसद कंगना रनौत पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है। किसान आंदोलन के समय से ही कंगना रनौत किसानों को लेकर विवादित बयान देती रही हैं और जिसके बाद उनके बयान से देश की राजनीति गर्म हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जो उन्हें अपने ही बयान को लेकर माफी मांगनी पड़ गई और इसी बीच राहुल गांधी ने भी उन्हें करारा जवाब दिया है। कंगना रनौत के वापस लिए जा चुके कृषि कानून की वापसी की वकालत करने वाले बयान पर राहुल ने कहा कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या पीएम मोदी। आपको बता दें कि राहुल गांधी को हमेशा से ही किसानों के हक में बोलते देखा गया है। इस बीच उनका एक और बयान सुनिए। नमस्कार, ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है, उनके एक सांसद ने किसान कानून जो काले कानून थे उनको रिवाइव करने की बात की। मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी करते हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। राहुल गांधी ने किसानों को लेकर सरकार को एक बार फिर बड़ी चुनौती दी है। हाल ही में कंगना रनौत का एक बयान सामने आया है जिसमें वो किसानों से माफी मांगते हुए नजर आ रही हैं। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक, थैंक यू। कंगना रनौत पहले गलती करती हैं और फिर खुद माफी मांग लेती हैं, या ये कहें कि ये माफी कंगना ने नहीं बीजेपी ने उनसे बोलकर बुलवाई है, क्योंकि कंगना ने कहा कि मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता हूं, मेरे अपने ओपिनियंस नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। फिलहाल कंगना ने जिस बयान पर माफी मांगी है उस बयान को भी सुन लेते हैं। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए, हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों में समृद्धि हो रही है हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे वन नेशन वन इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर दो दो तीन तीन महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करें कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है और हरियाणा में किसानों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए इस समय बीजेपी नहीं चाहती कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता किसानों को लेकर गलत बयान दे जो एक मुद्दा बन जाए। इसलिए कहीं ना कहीं कंगना की इस माफी को हरियाणा विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।